कि डॉक्टर्स मानते हैं कि हाई शुगर यानी ब्लड शुगर जब बढ़ जाती है तो इससे हड्डियों के निर्माण पर असर पड़ता है और आप समझिए कि अनियंत्रित डायबिटीज कंधों में अकड़न की एक बड़ी वजह हो सकती है। अधिक उम्र के लोगों में ये परेशानी होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इस समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और सही इलाज तुरंत शुरू कीजिए। आप समझिए कि डायबिटीज़ में कंधे के दर्द और अकड़न को फ्रोजन शोल्डर भी कहा जाता है। अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये डायबिटीज़ के अनियंत्रित होने और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के संकेत के रूप में जाना जाता है और इसका इलाज डाइट कंट्रोल और फिजियोथेरेपी से आसानी से हो सकता है। आप समझिए कि जब तक ये समस्या अत्यंत गंभीर ना हो जाए तब तक इसमें दवाई या सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आपको अपने खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है।